गाइस, आज बहुत टाइम से जेंसु हाउस हाउस कर रहा था, तो मैंने उसके लिए एक हाउस मंगवाया है छोटा सा। अब वो मीशो में से मंगवाया है और देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा था। अब इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें रियलिटी चेक क्या होता है। इसकी प्राइसिंग वगैरह आप जानने के लिए मेरे को तो कमेंट बॉक्स में बताना। ये एक पोर्टेबल हाउस है, तो आइए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। खोलते हैं इसके बॉक्स को। जैसे देखी जाए तो इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है, मेरे को पैकिंग में थोड़ा इंटरेस्ट किया है मीशो ने। अब इसको खोल के देखते हैं। सेपरेट पैकिंग है, मतलब बहुत ही अच्छा पैकिंग करके भेजा है। जब कुछ समझ में ना आए तो ऐसे करो, एक मिनट के लिए वो सब निकलेगा। बड़ी जद्दोजहद के बाद ये खुल चुका है। Oh my God! Wow! इंस्ट्रक्शन है नहीं है क्या है, लेकिन है तो हम इसको नहीं, ये अच्छा है, ये वाटरप्रूफ है थोड़ा सा, मेरे को मटेरियल अच्छा लगा इसका। और ये है इसके इंस्ट्रक्शंस जो कि मेरे को समझना पड़ेगा। A1 चलो हम देखते हैं, समझते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो इसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमने मटेरियल वेरीफाई कर लिया है इसका, जॉइंट्स वगैरह। अब देखते हैं आगे कैसे करना है। वैसे इतना बेसिक सी चीज है, कुछ खास है नहीं इसमें। Thank you.
तो ये बेसिक सा फ्रेम हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब बारी है इसके ऊपर पूरा कवर लगाने की, जो कि रेजिन टाइप मटेरियल है। तो हिना बोल रही थी कि ये फ्रेम अभी जिस टेबल पे आपने रखा है उस पर ये रेजिन नहीं लगेगा, तो मैंने इसको नीचे ले लिया है और अब मैं और हिना मिलके इसको लगाएंगे। ये पूरा जो इसका फ्रेम का कवर है उसको, दिखने में बहुत ही अच्छा मटेरियल है। मैं आपको इसका फाइनल व्यू दूंगा। एक बार मेरे को ये थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही थी कि ये कहाँ से लगेगा, फिर फाइनली मैंने फिगर आउट कर लिया और हिना को भी हेल्प के लिए बुला लिया था। काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये फाइनली हमारा कवर लग चुका था और इसके नीचे एक छोटे छोटे स्ट्रैप्स दिए हुए हैं जिससे ये मिसप्लेस ना हो जाए और ये निकलेगा नहीं पूरा। तो और ये इसमें रबर बॉन्डिंग भी दिया हुआ है, तो ये एकदम स्टिक रहता है, मतलब निकलने का वगैरह चांस रहता नहीं है इसमें से कहीं से भी। तो फाइनली हाउस रेडी हो चुका था। अब इसके नीचे बिछाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने एक ब्लैंकेट लिया और इसको नीचे बिछा दिया ताकि जियांशु को नीचे से ठंड ना लगे, और फिर हाउस को उठा के उसके ऊपर सेट करने लगा। पहली बार में सेट नहीं हुआ, फिर थोड़ा सा मेरे को पीछे करने की ज़रूरत पड़ी, तो फाइनली मैंने इसको कर दिया है सेट। अब आइए देखते हैं जियांशु का रिएक्शन। तो फाइनली बहुत सारी जद्दोजहद के बाद हमारा हाउस रेडी है और ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। जंगल थीम बेस्ड मंगवाया है मैंने, ये इसका जो मटेरियल है कपड़े का वो भी अच्छा है। ये मैं आपको एक वॉक अराउंड बता देता हूँ और ये अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। और ये इसका डोर भी है जो कि फिलहाल हमने बंद कर दिया, खुला रखा है। अबे साले। तो अब देखते हैं जियांशु का रिएक्शन क्या आता है। तो जियांशु अब हो चुका है रेडी। सूझे कौन हुआ उससे? લાયન આ કેવું છે દીકા? અંદર હોય જા ઓર યે જિયાંશુ પહેલી બાર અપને હાઉસ મે જાયેગા। કે હેલો ગાઈસ, હેલો ગાઈસ, હાઉસ કેવું છે? વાવ હાઉસ છે। ये कब से वो छोटे पर्दे के हाउस कर रहा था, तो मैंने ये एक छोटा सा गिफ्ट अपने बेटे के लिए। ये मस्त तो अब
तो इसको जियांशु को खेलने देते हैं इसके हाउस के अंदर, और ये इसकी मम्मी का रिएक्शन। जियांशु को देख के मैं भी बहुत खुश हूँ। ये बहुत ही अच्छा हाउस है, मैं रेकमेंड करूँगा कि ये बच्चों के लिए मंगवाएं। एक अच्छा है ये, देखो अभी से बाई कर रहा है जियांशु। तो अभी हाउस के ऊपर रिएक्शन आएंगे जियांशु के, जैसे जैसे आएंगे मैं बताऊंगा आपको। और फिर आज के लिए अभी करते हैं इसको एंड करते हैं और जियांशु को अपने हाउस में खेलने देते हैं।